अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मेजर सर्जरीज होंगी, हमने यहाँ पे पहले ही बात की थी, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से, या क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। तो भाई बाबर आजम ही आपके कैप्टन रहने हैं टिल 25 चैंप्स ट्रॉफी, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। जब तक आपके बाबर आजम ही कैप्टन रहेंगे, एंड इसके अलावा खबरें हैं कि भाई रिजवान एंड शाहीन के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो ए प्लस कैटेगरी में हैं और काफ़ी ज़्यादा मराहत उनको हासिल हैं, सैलरीज भी सबसे ज़्यादा हैं उनकी, तो रिजवान और शाहीन के को डिमोट किया जाएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बट मेरा ये पॉइंट है इस हवाले से कि भाई रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है बाबर के बाद, रिजवान इज़ द वन जिसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, चाहे वो 23 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपका एशिया कप हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड कप T20 का हो। तो वाई रिजवान डिमोट किए जाएंगे? आई डोंट थिंक रिजवान को डिमोट किया जाना चाहिए। हाँ, शाहीन काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन पिचेस पर जो बॉलर्स की जिनको जन्नत कहा जा रहा है, जहाँ पर बॉलर्स के फिगर्स आउट स्टैंडिंग है, जहाँ पे बॉलर्स चार चार मेडन्स करवा रहे हैं, वहाँ पे आपके शाहीन शाह आफरीदी की इकॉनमी भी कोई अच्छी नहीं है, और आपके शाहीन शाह आफरीदी दो मैचेस में तो आई थिंक विकेट लेस भी रहे थे। और खैर काफ़ी टाइम से है शाहीन आपके स्ट्रगल करते आ रहे हैं इन द बॉलिंग, तो चलो शाहीन का को आप डिमोट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप रिजवान को कर सकते हो डिमोट, बिकॉज रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में। योर बेस्ट बैटर वॉज रिजवान, एंड अभी भी आपका सेकेंड बेस्ट बैटर रिजवान है, आपका कीपर है रिजवान, आपका बेस्ट कीपर है, तो आई डोंट थिंक रिजवान को आपको डिमोट करना चाहिए। इसके अलावा खैर रिजवान को आप बांग्लादेश सीरीज में भी रेस्ट करा रहे हो, पता नहीं क्यों ये रिजवान लेस कॉन्स्पिरेसी खेलने की कोशिश की जा रही है, या तो अगेन यही हो रहा है कि बाबर को आप है कि मीन्स कमज़ोर करना चाहते हो, या और क्या बात है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और खैर हो सकता है आपके, तो हो सकता है कि आपके शान मसूद साहब ही हैं कैप्टन, तो आई डोंट थिंक बाबर पे फिर इतना प्रेशर होगा, बट खबरें यही हैं कि आप रिजवान को रेस्ट करा रहे हो इन बांग्लादेश सीरीज़। और इसके अलावा जो आपके आज़म खान हैं, इमाद वसीम हैं, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, ये तमाम के तमाम अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर देंगे, यानी नॉट जस्ट है कि ये डिमोट किए जाएंगे, यानी शाहीन एंड रिजवान तो डिमोट किए जाएंगे ना, इन तमाम का सेंट्रल इन तीनों जो चार पाँच लोग हैं सबका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म किया जा रहा है भाई, तो बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार होने वाले हैं आपके तमाम प्लेयर्स। शादाब खान तो आई थिंक आपके ए कैटेगरी में आते थे, एंड इफ्तिखार में शायद आपके कुछ बी वगैरह कैटेगरी में थे, तो अब है कि पूरी तरीके से ख़त्म ही किया जा रहा है। सो वही बात है, खैर अच्छी बात है, आपके प्लेयर्स जब परफॉर्म करके नहीं दे रहे, सो वाई आपको इतना ज़्यादा उनको मनाहत देनी है। और वही बात है कि जब आपको नहीं मिलेगी ये सैलरीज, आपकी कम होगी या सैलरीज आपको नहीं मिलेंगी, तो फिर आप मेहनत करोगे, डोमेस्टिक खेलोगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस होगे, एंड यू कैन कम बैक। सो आई थिंक ये एक अच्छा मूव है। और उसके अलावा खैर जो भी आप के चेयरमैन साहब ये करेंगे, उस हवाले से कुछ ही दिनों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें डिटेल सारी बातें होंगी कि भाई क्या क्या करना चाहिए। बट जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, तो बाबर आजम कैप्टनसी कहीं नहीं जा रही T20 चैंप्स ट्रॉफी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है, क्या खबरें हैं। रिजवान आई थिंक इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं प्रीटी मच एग्री हूँ, बट रिजवान को डिमोट करने के हवाले से आई थिंक सोचना चाहिए बोर्ड को, बिकॉज ही इज़ योर सेकेंड बेस्ट बैटर आफ्टर बाबर आजम, डेफिनेटली। सो दैट इज़ एट फ्राम दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें एंड शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी आगा से आगाह ज़रूर कीजिएगा, एंड जो सब्सक्राइब चैनल।